क्विडल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 5 मजेदार पहेलियां सॉल्व करेंगे। पहली पहेली, इस लड़की की फैमिली उस आदमी से बहुत उधार लेके रखी है और अब चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। उस आदमी ने पब्लिक के सामने उस लड़की को एक ऑफर दिया, मैं तुम्हारी फैमिली का लोन माफ कर रहा हूँ, पर तुम्हें एक गेम खेलना होगा। मैं इस बैग में नीचे से उठा के 2 पत्थर डालूंगा, काला और सफेद, और तुम्हें पत्थर निकालना होगा। अगर तुमसे काला पत्थर निकला तो बस तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, और अगर सफेद निकला तो कुछ नहीं, बस तुम्हारा लोन माफ। वो लड़की मान गई। आदमी ने 2 पत्थर उठाए, पर डालते वक्त उसने अपने हाथ से एक काला पत्थर निकाला और दोनों काले पत्थर डाल दिए। लड़की ने ये देख लिया था, पर वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसके ये गेम खेलने से उनका लोन माफ हो रहा था। पर फिर भी उस लड़की ने कुछ सोचा और बड़ी ही समझदारी से उसने गेम खेला, पत्थर भी उठाया, पर फिर भी उसे उस आदमी से शादी नहीं करनी पड़ी। दोस्तों, लड़की ने ऐसा क्या किया जिससे बैग में दोनों पत्थर काले होते हुए भी वो बच गई? क्या आप बता सकते हैं? आंसर कमेंट में बताएं। इसका आंसर आपको सच में बहुत पसंद आएगा। उस लड़की ने एक पत्थर निकाला और नीचे बाकी पत्थरों में गिरा दिया और कहा, ओह सॉरी, मुझसे पत्थर गलती से गिर गई। अब पता करने के लिए मैंने कौन सा पत्थर उठाया था, हम बैग में देखते हैं। अगर बैग में काला पत्थर हुआ तो मतलब मैंने सफेद पत्थर उठाया था। अब बैग में तो काला पत्थर ही था, इसलिए वो बच गई और पब्लिक के सामने उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी पहेली, ये लीना श्रीवास्तव ने भेजी है। इस इमोजी से इंडिया के एक सिटी का नाम पहचाने और आंसर कमेंट में बताएं। आंसर है नागपुर, नागपुर। अगली पहेली, ये अब्दुल शेख ने भेजी है। 3 लड़के आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनमें पहला वाला अंधा है, दूसरा गूंगा और तीसरा बहरा। अगर पेड़ से सेब गिरेगा तो पहले कौन सा लड़का उठाएगा? आपको क्या लगता है? आंसर कमेंट कीजिए। आंसर, कोई भी नहीं उठाएगा, क्योंकि आम के पेड़ पर सेब नहीं लगते। चौथी पहेली, ये दिव्या गोवेकर ने भेजी है। ऐसी कौन सी सिटी है जहां कोई इंसान नहीं रह सकता? आंसर, इलेक्ट्रिसिटी। आपने क्या सोचा था, हमें कमेंट में बताएं। एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने लड़की से पूछा, क्या तुम अपना दूध अपने पिताजी को पिला सकती हो? आप इसके जवाब में क्या कहते, जरूर कमेंट करें। पर याद रहे, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो इसका आंसर थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा। ऐसे सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यहीं पर इंटरव्यूअर हमारी थिंकिंग एबिलिटी चेक करता है। इसका सही आंसर होगा, हाँ, मैं अपने ग्लास का दूध अपने पिताजी को पिला सकती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और क्विडल को सब्सक्राइब करें। अपनी पहेली हमें इंस्टाग्राम पर या ईमेल करके भेजें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।